क्योंकि तुमने मुझे चीटिंग करने में मदद नहीं की। चीटिंग करना गलत बात है। अगर तुम्हें जीरो पसंद नहीं तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम मेरी मम्मी जैसी बातें करती हो। बचाओ! फिक्र मत करो, वो बंधा हुआ है। इसका बट्टा तो निकल गया। अब हमारी मदद कौन करेगा? हम क्या करें? कोई हमें बचाओ! ये कितना ताकतवर है, जो तुम नहीं कर सके वो इसने चुटकियों में कर दिखाया। अरे ये कहाँ जा रहा है? हाँ, अगर वो तुम्हें इतना अच्छा लगा है तो उससे दोस्ती कर लो। रुक जाओ। कहाँ गया? एकदम से गायब हो गया। तुम ही बताओ कि ये किस तरह का डॉगी है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कौन है। वो बहुत ही चुस्त था, बहुत ताकतवर था और उसके सिर पर ये निशान था। मैं समझ गया, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? क्या तुम इससे पहले मिल चुके हो? नहीं, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये डॉगी जरूर शीशी मालूम है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ होगा? मुझे उसे ढूंढना है। शीशी मानो जहाँ भी हो, इसकी खुशबू से यहाँ दौड़ा चला आएगा। पकड़ लिया। मैं जानता था कि गायब होने का हुनर सिर्फ तुम्हें आता है शीशी मानो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इलाके में आओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? देखो, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी को भी तकलीफ हो, नहीं करोगे ना? अच्छा हुआ समझ गए। अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब ये क्या, ऐसा मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे फुसलाने की कोशिश मत करना शीशी मानो। केनिची के पापा, जरा जल्दी यहाँ पर आ जाइए प्लीज। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? इसमें पूरे चावल भरे थे, अब ये एकदम खाली है। तो किसने खाए? मुझे पता है। ये काम तो सिर्फ शीशी मानो का हो सकता है। शीशी मानो! क्या ये गोलू मोलू डॉगी तुम्हारा है हथौड़ी? जी हाँ, ये मेरा है, लेकिन कल ही इसे मैं वापस भेज दूंगा। यही तो वो डॉगी है जिसने हमें उस गंदे डॉगी से बचाया था। इसे वापस मत भेजिए, क्या हम इसे रख सकते हैं? पर शीशी मानो बहुत ही बदतमीज डॉगी है, इसमें जरा भी तमीज नहीं है। ओह, मस्का लगा रहा है, बड़ा समझदार है।
देखा कितनी जल्दी अपनी गलती को सुधार लिया, क्या बात है। चलो अब ठीक है, आज से ये यहाँ रह सकता है। बहुत अच्छे, मजा आएगा। यहाँ अच्छे से पेश आना, समझे शिशिमानो। इसे यहाँ के तौर तरीके सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो डॉगी याद है, वो हमारे घर पर है। सच्ची? मैं उसे मिलने आ सकती हूँ? हम दोनों मिलकर उस डॉगी के साथ खेलेंगे। ये आवाज कैसी है? पूरा घर हिल रहा है। शिशिमानो शिशिमानो, ये खराटे मारना बंद करो। कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते हैं। कल मैं आप सबका टेस्ट लेने वाला हूँ। शांत हो जाओ और हाँ, थोड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए? हाँ। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग तो जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, देख लूंगा। मम्मी मैं आ गया। केनिची? इसे क्या हुआ है हथौड़ी, ये इतना गुस्से में क्यों है? मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। डिंग 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 डिंग। केनिची मैं हूँ, दरवाजा खोलो। आज इतने गुस्से में क्यों हो केनिची, बताओ कुछ हुआ है क्या? अरे वाह, ऐसे ही अच्छे मार्क्स लाने का इरादा पक्का करना चाहिए। अगर तुमने तय कर लिया है तो मैं पढ़ाई करने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हथौड़ी, कल तो मुझे पूरे 100 नंबर मिलेंगे। केनिची चलो बेसबॉल खेलते हैं। नहीं तुम नहीं जा सकते, अगर तुम्हें सच में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें अभी से उसकी तैयारी करनी होगी। मैं खेलने के बाद भी तो पढ़ सकता था। शिशि मानो तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, सबको दिखा दूंगा। अच्छा तो इस बार कितने नंबर लाने का इरादा है? इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लाने वाला हूँ डैडी। मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो जरूर अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आएंगे तो आप इनाम देंगी? हाँ क्यों नहीं, मुझे इनाम मिलेगा। मुझे थोड़ी देर टीवी देखने दो ना। नहीं नहीं तुम टीवी नहीं देख सकते, तुम्हें पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, चलो। वो शो थोड़ी देर में तो खत्म हो जाता। देखो ऐसे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा और तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। लगता है इसके होते हुए अब मुझे कुछ भी मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिलेगा। वही रुक जाओ। पढ़ाई के लिए तुम्हें टीवी की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी केनिची। मुझे माफ कर दो। अगर ऐसे ही झपकियां लेते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? मैं और नहीं पढ़ सकता, मुझे नींद आ रही है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, या तो तुम अच्छे मार्क्स लेकर जीत जाओ या 0 लाकर अपना मजाक उड़वाओ। हथौड़ी मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा? मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। आग लगी है। चुप। बहुत पढ़ लिया मैंने। तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। कुछ तो समझो। तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं।
अब तुम्हें सुसु जाना है? हाँ, मैं बस अभी आया। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, अब इसे पीछा कैसे छुड़वाऊं? केनिची बेटा, स्कूल में सो मत जाना। हाँ अरे ये तो सो रहा है। उठो उठो केनिची, केनिची उठो, उठो। क्यों सो रहे हो? ओ केनिची, अच्छा है ये लिख रहा है। केनिची सुधर गया है। आज तो केनिची बहुत खुश होगा। तुम्हें तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं केनिची। मुबारक हो केनिची। तो ये तोहफा तुम्हारे लिए। आप मुझे क्यों तोहफा दे रही हैं आंटी? वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे बेटे की पढ़ने में मदद की, और ये तुम्हारे लिए। हाँ? चलो अब दोनों खाने के लिए आ जाओ। हथौड़ी के लिए इतना बड़ा तोहफा और मेरे लिए इतना छोटा। चाहो तो तोहफा बदल लो। सच्ची बहुत बहुत शुक्रिया हथौड़ी। और मुझे डिजिटल घड़ी मिली है। वाह, तुम्हारी मम्मी बहुत समझदार है। मम्मी आप हमेशा काम करती रहती हैं, पर आज आप दिन भर आराम करने वाली हैं। क्यों केनिची? आज ना तो मदर्स डे है और ना ही फादर्स डे, फिर ये खातिर आखिर किस लिए? आप हमेशा हमारा ख्याल रखती हैं, आज हम आपका रखेंगे। वाकई सिर्फ यही बात है ना? हम सब संभाल लेंगे, आप बस यहाँ आराम से बैठिए। अब ठीक है, मम्मा का ध्यान रसोई में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बाहर होंगी और हम दोनों यहाँ आराम से काम करेंगे, ठीक है? ये काम करने का सही तरीका नहीं है, ये निंजा कब काम आएगा दोस्त? तुम्हें सब्जियाँ काटनी आती है? हाँ? तुम सब्जी उछालो और देखो मेरा कमाल। तुम्हारे बड़े करतब देखे हैं, अब ये भी करतब देख लूंगा। हाँ, तुम कमाल के हो। ये कमाल तो मेरी तलवार का है। दूसरी सब्जी हाजिर है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ दोस्त। लो अब प्याज, अब गाजर, अब मटन आ रहा है। ये भी कट गया। अब पनीर, ये लो। इस बार जरा गड़बड़ हो गई। सारा सामान तो खत्म हो गया। ये तो बहुत सारा खाना है। ये क्या कर रहा है? क्या केनिची के घर पे आज कोई पार्टी है? पर पार्टी किस खुशी में है? आज ना तो मेरा बर्थडे है ना तुम्हारा बर्थडे है। ओह, लगता है डॉगी के स्वागत के लिए है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं भी चलूंगा। पूरा टेबल सजा है, लगता है कुछ खास बात है। कुछ नहीं, बस आप बैठिए तो सही डैडी। आज तो तुमने वाकई बहुत कुछ बनाया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आज तो सब कुछ हथौड़ी और केनिची ने बनाया है। हमें पार्टी में बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या कहा, मैंने तुम्हें पार्टी में बुलाया है? हाँ हाँ, तुमने शिशिमानु के स्वागत में पार्टी रखी है ना? ये मम्मी डैडी की शादी की सालगिरह की पार्टी है।
ओह, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। लेकिन हमारे बच्चों ने याद रखा। चलो बच्चों अंदर चलें। हाँ चलो अंदर चलकर सब मिलकर खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। चलो चलो। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम सबका शुक्रिया बच्चों। हथौड़ी केनिची, तुम दोनों ने हमारा दिल जीत लिया। हमारी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, ये सारा प्लान तो डैडी का था। हाँ? तो आपने भूलने का नाटक किया था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अभी ना, बिल्कुल। हुर्रे! अब वक्त है लजीज खाना खाने का, शुरू करो। चलो खाते। सबके हिस्से का खाना खाकर यहाँ चैन से सो रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अब उठो। मम्मी अब डैडी के पास जाइए, हम सारा सफाई का काम कर लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ ये तो ढेर सारे बर्तन हैं। तुम फिक्र मत करो, जिसने सबसे ज्यादा खाना खाया है अब वही काम करेगा, है ना? मेरे तो। हाँ ये ठीक रहेगा, सुबह सारा काम हमने किया था, अब ये काम तुम करोगे शिशि मानो। हाँ सारा काम कर दिया। वाह! तुमने तो एकदम कमाल कर दिया शिशि मानू। ओ ये क्या, सारी प्लेटें तोड़ दी। आज तुम लोगों ने जो भी किया उसके मुझे बेहद खुशी है, लेकिन अब तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। अगले महीने तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से इस नुकसान की भरपाई करनी होगी, समझ गए केनिची? हाँ। चलो अब जल्दी से सफाई करो। पर मम्मी हम तो सब कुछ इस डॉगी की वजह से हुआ है। हाँ। हम तो अच्छा करने चले थे और